सभी फ्रेंड्स साइंस विद्यालय नामक आपके अपने चैनल से चैनल में सभी भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ साइंस से रिलेटेड आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है और आज मैं जो उस टॉपिक लिख रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पादप हार्मोन, यानी पादप हार्मोन में पेड़ पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन। इसमें कौन से हार्मोन, क्या क्या काम है हार्मोनों में, सभी के आपके सामने नाम लिखे हैं मैंने, उसके बारे में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले जो आपका हार्मोन है एक्सेसरिक अमल यानी एसीए, ये जो हार्मोन है ये पादपों में पाया जाता है। जिस पादप में ये हार्मोन ज्यादा होगा वो पत्तियों को गिरने व मुरझाने को बढ़ाता है, यानी जिस पौधे के अंदर एक्सेसरिक अमल जो एसीड है वो ज्यादा पाया जाएगा वो पत्तियों को गिराएगा और एक वो पेड़ है वो ज्यादा मुरझा जाएगा। जिस के अंदर कौन सा हार्मोन ज्यादा हो एक्सेसरिक अमल हो, यानी वो क्या करेगा पत्तियों को गिरने में व मुरझाने में बढ़ाता है। उसके बाद आपका दो नंबर वाला जो हार्मोन है जिबेरेलिन, ये बोनर पौधों को लंबा करने में सहायक होता है। जो छोटे पौधे हैं उसको लंबा करने में सहायक कौन सा होता है, जिबेरेलिन होता है। ये पेड़ का सबसे मुख्य हार्मोन होता है जो अंकुरण को बढ़ाता है, यानी अंकुरण करता है, एक जो ज्यादा लंबे पौधे हो जाते हैं उसकी वृद्धि पर भी नियंत्रण करता है, वो है जिबेरेलिन। एक तो बोनर पौधों को लंबा करने में सहायक है, अंकुरण करता है, एक पौधे का मुख्य हार्मोन केला परीक्षण प्रश्न पूछा जाता है, वृद्धि नियंत्रण करने वाले पादप हार्मोन का नाम बताइए तो आपका जो होगा वो जिबेरेलिन हो जाएगा। बोने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, जिबेरेलिन, ठीक है। इसी प्रकार आपका जो ऑक्सिन हार्मोन है, ये ऑक्सिन हार्मोन जिस भी पौधे पे पाए जाएंगे वो फूलों को गिरने से बचाएंगे। एक तने की वृद्धि है वो तने की वृद्धि में जो सहायक होंगे, तने की वृद्धि होती है उसमें तो ये ऑक्सिन हार्मोन सहायक होंगे, जड़ की वृद्धि पर नियंत्रण करेंगे। ये काम है ऑक्सिन हार्मोन का, एक तो फूलों को गिरने से बचाता है, तने की वृद्धि में तो सहायक होता है, लेकिन जड़ की वृद्धि पर क्या करता है ये हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन नियंत्रण करता है। ये हो गया आपका ऑक्सिन हार्मोन। उसके बाद साइटोकाइनिन यानी नाम से पता चल रहा है साइटो यानी सेल से बड़ा है, सेलिन कोशिका, ये साइटोकाइनिन है, ये कोशिका विभाजन करने में सहायक होता है और जिस पौधे के अंदर होगा ये कोशिका विभाजन करता है। ये आरएनए तथा प्रोटीन भी बनाता है, एक तो आरएनए बनाता है एक प्रोटीन बनाने में ये साइटोकाइनिन हार्मोन ज्यादा सहायक होता है। उसके बाद फ्लोरेसेंस नाम से पता चलता है फ्लोर यानी फ्लावर, ये किस शब्द से बना है फ्लावर से, तो फ्लोर यानी फूल, यानी जिस पौधे के अंदर फ्लोरेसेंस हार्मोन ज्यादा होगा वही तो फूल लगाने में ज्यादा सहायक होंगे, समझ में आया, फ्लोरेसेंस यानी फ्लावर से बना है। उसके बाद ट्रोमेटिक हार्मोन, ये पौधों की जो चोट होती है उसको ठीक करते हैं, यानी जिस भी पेड़ के ऊपर चोट लग जाती है, जैसे कि हमने देखा है कि जिस पेड़ के ऊपर गोंद वगैरह जम जाता है वो किस हार्मोन का काम है, ट्रोमेटिक हार्मोन का। उसके बाद एथिलीन हार्मोन वेरी इंपॉर्टेंट, ये फलों को पकाने में सहायक होता है, जो भी फल लगते हैं वो काम होता है एथिलीन हार्मोन है, फलों को पकाता है, और ये एक ऐसा हार्मोन है जो केश अवस्था में पाया जाता है। ये तो देखो कृत्रिम हार्मोन है, यदि हमें फल जल्दी पकाने हो तो हम काम में लेते हैं एसिटिलीन हार्मोन या एसिटिलीन गैस, ये कृत्रिम होता है, ये प्रकृति से पाया जाता है एथिलीन हार्मोन, ये होता है कृत्रिम हार्मोन। ये हम क्या करते हैं ऊपर से लगाते हैं तो पौधे में जो लगते हैं फल लगते हैं वो जल्दी से पक जाते हैं एसिटिलीन हार्मोन से। इस प्रकार से एसिटिलीन का आपको समझ में आएगा पत्तियों को गिरने में मुरझाने में हमेशा के लिए पत्तियों को गिरना मुरझाना बताता है। जिबेरेलिन बोने पौधों को लंबा करने में सहायक होता है, वृद्धि पर नियंत्रण करता है, अंकुरण भी करता है और मुख्य हार्मोन भी कहलाता है। ऑक्सिन हार्मोन फलों को गिरने से बचाता है, ऑक्सिन नाम से पता चल रहा है, एक तो जिस प्रकाश अनुवर्तन इस नाम से प्रकाश अनुवर्तन, ये हार्मोन यानी सूर्य से प्रकाश को क्या करता है अपनी ओर ग्रहण करता है और पत्तियों को प्रकाश की ओर फैलाता है, उसको तो कह देंगे प्रकाश अनुवर्तन। यदि कोई पत्ती किसी पेड़ के नीचे हो रही है उसमें किसका काम है ऑक्सिन हार्मोन, उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। ये फलों को गिरने से बचाता है, तने की वृद्धि में सहायक होता है, लेकिन जड़ वृद्धि के लिए नियंत्रण करता है। साइटो नाम से ये कोशिका विभाजन आरएनए तथा प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। फ्लोरेसेंस नाम से पता चलता है फ्लावर यानी जिसमें फूल लगाने में सहायक होता है। ट्रोमेटिक पौधे की चोट ठीक करने में, एथिलीन फलों को पकाने में सहायक होता है। ये हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। एसिटिलीन ये कृत्रिम हार्मोन होता है जो गैसीय अवस्था में, यही एसिटिलीन भी गैसीय अवस्था में होता है। ये हमेशा के लिए पौधों पर छिड़के पौधों के जो फल लगते हैं उनको जल्दी से पकाया जा सकता है।
तो इस प्रकार से अपने फादर आर्नोल्ड का जो वीडियो था टॉपिक था इन माय आईडिया, विचार करता हूं कि आपके शायद समझ में आया है। इस प्रकार के आगे वीडियो देखने के लिए साइंस विद द रैंक आपके अपने भाई को सपोर्ट करके करें करके अच्छे